सो वेलकम बैक गाइस। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से लौट चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को एक बात बताना था मुझे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि पीछे पीछे सब कुछ चेंज है, मतलब मैं कहाँ हूँ। तो पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं बता दूँ कि मेरा जो मीन्स यूट्यूब का जो चैनल का नाम है वो मैंने दीपू द ब्लॉगर रखा था, ना कि उसमें कुछ लगाया था कि मैं मोटो ब्लॉग करूँगा। मीन्स पर्सनली मैंने वो ऐसा कुछ नहीं लगाया था, राइडर या दीपू द मोटो ब्लॉगर कुछ ऐसा ऐसा नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग लगाया था ना ब्लॉगर लगाया था। तो मैं ब्लॉगिंग भी करूँगा और मोटो ब्लॉग भी करूँगा, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से और एक न्यू वीडियो के साथ। तो मैं बता दूँ अभी मैं कहाँ हूँ। तो गाइस मैं अभी हूँ, ये है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता हम लोग आए हैं, मेरा मीन्स ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, फिर भी मैं बना रहा हूँ, इधर आके मूड हो गया। तो मैं डायरेक्ट कोलकाता से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा होटल रूम है, देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार व्यू आप लोगों को, और फिर आप लोगों को लेके चलेंगे बाहर। बाहर का आप लोग को एरिया दिखाएंगे, कैसा एरिया है, कहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, फिर आप लोग को बाकी बात आगे बताएंगे। तो चलिए। सो गाइस मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये इधर से ये है हम लोगों का रूम, देख सकते हैं। ये है रूम, इधर आप लोग मतलब हम लोग रात को सोए थे ना, तो थोड़ा बहुत मीन्स सब बिखरा हुआ है, तो वो सब के लिए सॉरी गाइस। मैं थोड़ा ठीक नहीं, क्या ऐसे सब ठीक है। इधर पानी वानी डस्टबिन सब है, और आपको इधर मिल जाएगा एक एसी। और ये अभी तो ठंडा का दिन है, तो एसी का उतना भी ज़रूरत नहीं था। ऐसे ही रूम बहुत गर्मी है, इधर फैन वैन सब, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। और इधर है मिरर, मिरर और देख सकते हैं छोटा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कंफर्ट है, ठीक है, देख सकते हैं। तो अभी चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को बाहर और दिखाते हैं कैसा एरिया है। तो ये गेट और इधर से हम लोग बाहर। और गाइस ये है दूसरा रूम, दिखा देते हैं आप लोगों को। और ये है मेरी बहन, हाय कर दो एक बार कैमरा में। ये देख सकते हैं, ये रूम तो उस रूम से भी ज़्यादा कचरा हो चुका था, ये सब में ज़्यादा मीन सामान वहाँ रखा है। इधर सब बैग बैग है, इधर इधर सब बिखरा हुआ है, इधर फैन है, और इधर इधर ये रूम में टीवी है गाइस, देख सकते हैं। जो नो नो सिग्नल के साथ पड़ा है, फालतू टीवी। तो ये है सेकंड रूम, और एक रूम है लेकिन वो भी सेम ही है, तो वो छोड़िए आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। तो अब बाहर का इलाका आप लोगों को दिखाते हैं। ये है बाहर का एरिया गाइस, देख सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये गोल क्यों है ऐसा, तो मैं इसका भी रीज़न बताऊंगा आप लोगों को बाद में, देख सकते हैं। इधर से भी गोल और बहुत सारा रूम है ऊपर का, ये ऐसा ये है रूम। तो अभी चलिए आपको लोगों को बाहर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो इधर से हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। सो गाइस ये है बाहर का एरिया, आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर छोटा सा ये कैसा ही बना, एक पॉन्ड टाइप, और इधर छोटा बहुत गार्डन है आप लोग, और आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा दूर से कि हम लोग कहाँ से निकले पूरा। तो चलिए पहले रोड में चलते हैं। तो इस रोड में आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, ये रहा गाइस,
भाई साहब ये है, बता दो आप लोगों को वो गोल क्यों था। क्योंकि गाइस ये है स्टेडियम कोलकाता का, फुटबॉल स्टेडियम। इसको इस स्टेडियम का नाम मुझे बताया गया था सॉल्ट लेक, क्या पता गाइस। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, मुझे देख सकते हैं। इसलिए वो गोल था। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका सैर कराते हैं, आसपास में क्या क्या है। तो देख सकते हैं इधर के आसपास में एकदम पूरा, और ये फुटबॉल स्टेडियम है इसलिए फुटबॉल प्लेयर्स का एक स्ट्रक्चर भी बनाया है, मूर्ति वूर्ति। और हम लोग रह रहे हैं, देख सकते हैं सामने 25 रैम्प ब्लॉक 1 में। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दिखाते थे क्या है। गाइस ये है टेनिस टेबल एकेडमी, मतलब इधर शायद टेनिस टेबल खेलता होगा कोई, क्या पता है आप लोग। इधर का मींस क्या बोले, पूरा शांति है। और सामने उस तरफ देख सकते हैं एक बड़ा सा बिल्डिंग देख रहा होगा आप लोगों को, मतलब इधर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, क्या बताएं। और इधर से स्टेडियम का व्यू देखिए भाई साहब, जो लग रहा है ना, क्या बोले आप लोगों को। तो देखा आप लोगों ने कि चारों तरफ का मीन्स क्या व्यू है, वो मस्त है गाइस, क्या बोला आप लोगों को, मस्त है एकदम खतरनाक। और हाँ मैं इधर पहली बार आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोलकाता में। और हम लोग उतरे थे सियालदह स्टेशन, और सियालदह स्टेशन से वहाँ से कैब बुक किए, और कैब बुक करने के बाद इधर आए, और इधर ही अभी होल्ड किए हैं। और हम लोग का इधर आने का मेन रीज़न है कि गाइस हम लोग शादी में आए हैं, शादी है। तो शादी का मैं ब्लॉग अलग से बनाऊंगा, वो आज शाम को चलेंगे 5 बजे गाड़ी लेने आएगा हम लोगों को, तो उधर से निकलेंगे। यहाँ से थोड़ा दूर है, 1 घंटा का मीन्स 1 घंटा लगेगा शायद, हाँ ऐसा ही कुछ बोला गया था हम लोगों से, 1 घंटा लगेगा। तो वो ब्लॉग अलग से मैं बनाऊंगा, अभी आप लोगों को दिखाते हैं और भी आगे। तो चलिए चलते हैं। तो अब देख सकते हैं ये 27 रैम, और सामने 28 दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इधर रैम हिसाब में शायद डिवाइड किया है, तो और इधर का एरिया सब चकाचक है पूरा एकदम, क्या बोले। और क्लीनिंग का इधर इतना ध्यान रखा गया है ना, आप लोग खुद तो देख ही सकते हैं कितना क्लीन है एकदम, एक भी कचरा आप लोगों को नहीं दिखाई देगा होगा रोड में, एक भी प्लास्टिक, क्लीनिंग का। सो गाइस फाइनली परमिशन मिल चुका है, अभी देख सकते हैं ये गार्ड ओपन कर रहा है गेट, क्या पता है भाई कितना हैप्पी फील हो रहा है। ये है स्टेडियम कोलकाता का, फुटबॉल स्टेडियम, मज़ा आ गया। अभी देख सकते हैं मेरा बहन लोग सब मैराथन रेस दौड़ रहा है। ओ भाई क्या बताए, हम लोगों को वो फील्ड में जाने में मना किया है, ग्रीन मीन्स उधर, और इधर रेड वाला इलाके में हम लोग रह सकते हैं मीन्स। बहुत ही अच्छा व्यू है, मज़ा आ गया। तो देख सकते हैं पूरा अभी स्टेडियम के अंदर, क्या बताएं आप लोगों को, मज़ा आ गया एकदम। हम लोगों को मीन्स पर्सनल परमिशन लेना पड़ा, और फिर रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को दिखा दिया गार्ड्स लोग ने। तो थैंक यू गार्ड्स, आप लोगों ने हम लोगों को दिखाया
मज़ा आ गया। लेकिन तो अब हम तो स्टेडियम देख लिया और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। गार्डन वार्डन इस साइड भी देख सकते हैं, पूरा एकदम गार्डन गार्डन। ये सब गार्डन देख के तो मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है गाइस। और हम लोग गेट के करीब ही हैं और थोड़ा बस देख के आप लोग मतलब देख के पता कर सकते हैं कि हाँ अभी गेट आ रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है स्टेडियम में। तो गेट के सामने जाकर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम लोग गेट के जस्ट सामने हैं, मेरे पीछे गेट है तो आप लोगों को दिखाएंगे। उसके पहले आप लोग देख सकते हैं ये सब बिल्डिंग क्या है, मतलब किस चीज़ का मुझे नहीं पता, बट है जो भी है बिल्डिंग है। और ये है मेन गेट, इधर से हम लोग इधर से आए और इस तरफ है स्टेडियम। सो गाइस ये रहा स्टेडियम का गेट, देख सकते हैं इधर क्या व्यू है, यहीं से एंटर करता है सब अंदर। और इधर नाम भी लिखा है शायद, थोड़ा पास चलते हैं, क्या पता यही नाम है ना दूसरा नाम है। विवेकानंद युवा भारती, भारती क्रीड़ांगन, क्या पता यही नाम है क्या। लेकिन उधर तो कुछ और बोल रहा था, देख सकते हैं क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. फर्स्ट टाइम आया हूँ कोलकाता और ज़्यादा मैं पहचानता भी नहीं हूँ। और हमारा बैग, आप लोगों को स्टेडियम अच्छा लगा है कोलकाता का फुटबॉल स्टेडियम, तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ज़रूर ज़रूर कीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब वब्सक्राइब कुछ नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आता है गाइस। देखें आप लोग, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चैनल में मैं दोनों ही करूंगा, ब्लॉग भी ब्लॉगिंग भी करूंगा और मोटो ब्लॉग भी करूंगा, तो आप लोगों को दोनों का मज़ा एक ही चैनल में मिलेगा, ठीक है। और अभी चलेंगे रूम की तरफ। सो गाइस हम लोग अभी घूम फिर के आ चुके हैं और अभी चलेंगे खाना खाने, तो चलिए दिखाते हैं कहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर खाना खाते हैं, अभी देख सकते हैं इधर। उधर खाना सब रखा है तो उधर से हम लोगों को लेके खाना पड़ेगा, तो चलिए प्लेट में लेते हैं और खाना खाते हैं।
सो गाइस, खाना हम लोग ला लिया। अभी दिखाते हैं क्या क्या है खाने में। दाल, राइस, ये सब्जी, आलू गोभी और क्या क्या है, ये बैंगन का भाजी, ये सलाद और ये फिश। तो खाना खाने के बाद अब लोगों को मिलते हैं रूम में जाके। सो गाइस, अभी हम लोग खा पी के घर मीन्स रूम में आ चुके हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं रूम में हूँ। तो देखा खाना कैसा है, लेकिन टेस्टी था भाई। मैं मीन्स क्या बताया, आप लोग देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं खाया हूँ मुझे पता है, तो टेस्टी था। तो आज का ब्लॉग इतना तक ही रखते हैं। बहुत कुछ दिखा दिया आप लोगों को आज भी, और मीन्स मेरा जितना जितना मैंने हुआ मैं दिखा दिया, और कुछ ज़्यादा बचा भी नहीं। हाँ है, लेकिन इसके बाहर, तो इसके बाहर अगर चलेंगे तो दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना गाइस, सब। बस अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपका भाई क्या बोले यार। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मीन्स नेक्स्ट ब्लॉग आज का शाम, आज शाम शादी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।